हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 11 में क्वेश्चन 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है और आज मैं 4 से करवाऊंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसका प्रयोग आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है जो कि मैं जो लिखवाई हूँ वही लिखोगे, बशर्ते सेंटेंस सही होनी चाहिए। अपने मन से भी कुछ कर सकते हो। तो चलिए करवाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में संस्कृत वाक्यों में प्रयोग। संस्कृत वाक्यों में प्रयोग। ओके, सबसे पहला कॉर्ड नंबर में है बीना। तो चलिए सबसे पहला है बीना, इसका बनाइए इयं, इयं। सो सत्या सर सरस्वत्या बीना अस्ति। ये सरस्वती जी की बीना है। ओके, इयं सरस्वत्या बीना अस्ति। आसान से आसान करवा रही हूँ, इससे भी आसान आप लोग कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। उसके बाद है छाया, तो करिए छाया का कीजिए यम। कस्य, कस्य मीन्स होता है किसका, यम कस्य छाया अस्ति, यह किसका छाया है। अस्थि, अस्थि का मतलब होता है, पता होगा आप लोग, अस्थि संधि। आसीत का मतलब होता है था। क्वेश्चन नंबर गौ, गौ में है बेटा प्राणिन, प्राणिन, प्राणिन। देखिए प्राणिन, प्राणी, प्राणिन, प्रियं, ध्वनि, इसका मतलब क्या हुआ, प्राणी नाम इस क्या होता है, प्राणी नाम इस प्राणी, जीव जंतु, जीव जंतु भी प्रिय ध्वनि इच्छन्ति, वो भी प्रिय, प्रिय ध्वनि मिस होता है आवाज, वो भी मीठे, मतलब वो भी मीठे वचन चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। घर नंबर मत्सर, मत्सर, मत्सर 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 का मतलब होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या करना। मत्सर मानवाना, मानवाना दुष्क्रिया भवति। ईर्ष्या जो है इससे मानव को क्या होता है, दुष्क्रिया में बुरा ही होता है, दुष्क्रिया भवति। लास्ट नंबर है याचक, याचक, याचक मीन्स होता है देने वाला, याचक भिक्षा, याचक भिक्षा ददाति, याचति, याचति। चलिए पहले से कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करूंगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे क के बाद गौ नंबर जो क्वेश्चन, गौ नंबर जो है यहाँ पे तुष्यंती वो छूट गया है, ये यहाँ पे कीजिए तुष्यंती। ओके, प्रिय वाक्यन जना तुष्यंती, ये गौ नंबर, गौ नंबर में देखिए, गौ नंबर में जो शब्द है जिसका मुझे वाक्य बनाना है वो है तुष्यंती।
जो कि यहाँ पे होना चाहिए वो छूट गया है, तो पहले आप लिख सकते हैं तुष्यंती प्रिय वाक्य जना तुष्यंती। संस्कृत प्राण है, इतना क्वेश्चन भी इतना रहता है इसमें, क्या बताऊं। चैप्टर भी बहुत है, हो गया बेटा, सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, किम धातु द्वितीय विभक्ति के तीनों लिंगों में रूप लिखिए। अब जो है संस्कृत में हम लोग हिंदी में पढ़े हैं दो ही लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और इंग्लिश में भी वही है, लेकिन संस्कृत जब हम पढ़ते हैं तो संस्कृत में लिंग 3 दिखाया गया है, एक है स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। तो चलिए इसमें ये कह रहा है जो किम जो है धातु रूप, उसका हमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग उसमें विभक्ति के तीनों लिंगों में लिखना है, द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय विभक्ति में एक विभक्ति होता है ना 8, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, तो वही द्वितीय में एक वचन द्वि वचन बहुवचन मीन्स तीनों वचन में लिखना है, क्वेश्चन भी गलत कर रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में है, पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। किम धातु द्वितीय विभक्ति, किम धातु द्वितीय विभक्ति के तीनों लिंगों में पुल्लिंग में पुल्लिंग एक वचन द्वि वचन बहुवचन बहुवचन, एक वचन में होगा कम, ओके कम को, उसके बाद है कान, हलंत भी लगाना बेटा, पुल्लिंग के बाद है स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में देखो क्या होगा, काम के उसके बाद है का, किम मीन्स क्या होता है क्या, जैसे कि आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो ना जो व्हाट व्हेन वेयर जो भी है क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे ही है किम का मतलब होता है क्या। तो किम का यदि हम अब हम लोग जब बात करते हैं इंग्लिश में जो लड़की जा रही है तो क्या बनाते हैं ट्रांसलेशन, लड़की जा रही है तो हम ये थोड़ी बोलते हैं जो ही इज गोइंग, लड़की के लिए सी यूज करते हैं ना, उसी प्रकार जब किम इसका हम बात करेंगे तो यदि बॉयज के लिए पुलिंग में क्या होगा कम, और यदि हम स्त्रीलिंग के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कम, एक वचन में